iPhone 8 Plus in 2023. Let's talk about this. तो गाइस काफी सारे लोग की डिमांड रहती है कि पुराने जो iPhones हैं जैसे कि 8 Plus हो गया, 7 Plus हो गया, ये सारी चीजें रिव्यू करो। तो हमने बाय कर लिया है आपके लिए एक रिफर्बिश iPhone 8 Plus। तो चलो करते हैं इसका रिव्यू इन 2023 में। क्या आपको आज के टाइम में ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या है इसके प्लस पॉइंट, क्या है इसके माइनस पॉइंट, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस वाले फोन में कुछ एक चीजें ऐसी हैं, दो या तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आपको आज के नए iPhone 14 Pro Max में भी नहीं मिलती हैं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। भाई ये लॉन्च हुआ था 2017 में और तब इसकी प्राइस अराउंड 73,000 रुपीज के आसपास थी। आज की डेट में अगर आप इसको खरीदने जाओगे तो अराउंड 13-14,000 रुपीज से ये स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड्स ऑन वेरियंट कौन सा खरीद रहे हो। और ये आज की डेट में आपको रिफर्बिश ही मिलेगा, ये आपको नया कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिनको रिफर्बिश का मतलब नहीं पता है, भाई बेसिकली ये नया तो कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो ये जितने भी पुराने फोन्स रहते हैं इनको खरीद के ये सारे पार्ट्स वगैरह चेंज करके इसको एकदम ब्रांड न्यू बना के और फिर सेल करते हैं, जो कि आपको काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको वार्न करना चाहूंगा कि भाई जहां से भी आप खरीदो इसको रिफर्बिश अगर खरीद रहे हो तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना इसको, बिकॉज अगर आप इसको चेक नहीं करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इश्यूज मिल सकते हैं। इसको चेक कैसे करना है, मैंने यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो डाल दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेकंड हैंड फोन या फिर कोई रिफर्बिश फोन आप खरीद रहे हो तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो, ए टू जेड सारी प्रोसेस बताई है, वहां से जाके आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो वापस आते हैं इस फोन की तरफ, एंड ये है आईफोन 8 प्लस। इसमें आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है ये 64 GB का मिलता है, और अगर इसकी रैम की बात करो तो ये 3 GB की रैम के साथ आता है। ऑल्सो इसकी एक और चीज पुरानी है, वो है इसका 4G होना। इसमें आपको कोई भी 5G बैंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो हाँ भाई ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो खरीदने से पहले भाई ये सारी चीजें ध्यान पे रखना। ऑल्सो चलो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो की है डिजाइन एंड बिल्ड। डिजाइन के मामले में नो डाउट ये आज भी बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है। पीछे आपको पूरा का पूरा ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, पीछे एक कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें आपको दो लेंसेस मिल जाते हैं, चारों ही तरफ पे एल्यूमिनियम एडजेस मिल जाती हैं और राउंडेड एडजेस मिलती हैं। लेफ्ट साइड पे साइलेंट स्विच मिल जाता है और नीचे वॉल्यूम बटन मिल जाती है। राइट साइड पे आपको सिम डालने का ऑप्शन मिलता है, ऑल्सो यहाँ पे लॉक स्क्रीन का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ पे स्पीकर्स, माइक और लाइटनिंग पोर्ट मिल जाता है, और ऊपर की साइड पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि पीछे ग्लास बैक है। ऑल्सो ये आज भी आपको हाथ में उठाने में काफी प्रीमियम फील होता है, और मेरे पास ये गोल्ड वाला वेरिएंट है और आप देख सकते हो कितना प्रीमियम लग रहा है ये। तो नो डाउट एप्पल काफी पहले से ही बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन के फोन्स बना रहा है। 2017 का फोन भी आज की डेट में काफी डिसेंट लग रहा है। अगर इसकी हाइट की बात करूं तो ये लगभग आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के जितनी ही मिलती है। हल्का सा 14 प्रो मैक्स थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, ओवरऑल देखते हो तो ये दोनों लगभग सेम ही है। 14 प्रो मैक्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा पतला है। 6.24 इंच की हाइट, 3.07 इंच की वेट और 202 ग्राम के वेट के साथ आता है, जो कि भाई इतना बड़ा फोन होके भी काफी ज्यादा हल्का है, ये कहीं से भी आपको भारी नहीं लगेगा, आराम से आप इसको उठा सकते हो। अब अगर इसके फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा, वो है इसकी बड़ी बेजल्स। यहाँ पे आपको बहुत ही जायंट बेजल्स मिल जाती है, साइड से भी आपको बेजल्स मिलती है लेकिन ऊपर और नीचे बहुत ही बड़ी बेजल्स मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। नीचे की साइड पे आपको एक गोल्डन बटन देखने को मिलता है, क्योंकि ये गोल्ड वेरिएंट है इसलिए यहाँ पे गोल्डन मिल रहा है। जिस भी कलर का फोन लोगे आपको उस कलर की यहाँ पे रिंग देखने को मिलेगी। ऑल्सो ये कोई फिजिकल बटन नहीं है, ये टैप्टिक इंजन वाला है। यहाँ पे आपको हैप्टिक मोटर देखने को मिलती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप इस बटन को प्रेस कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में ये प्रेस नहीं होता, ये हल्का सा आपको फीडबैक देता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है, काफी फास्टर है। ये आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट मिल जाता है, लेकिन भाई देखो क्योंकि आप रिफर्बिश खरीद रहे हो, एक बार खुल चुका है फोन, अच्छे से पैक हुआ है कि नहीं, तो भाई इसकी गारंटी नहीं हो सकती। रिफर्बिश फोन की गारंटी नहीं होती है कि वो वाटर रेसिस्टेंट है या फिर नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा पानी में डालने के लिए। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करूं काफी अच्छा है, लेकिन अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा माइनस पॉइंट मिल जाता है। चलो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको 5.5 इंच का रेटिना LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें 625 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, और यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल भी काफी कम मिल रहा है। रेजोल्यूशन की बात करूं तो 1080x1920 के पिक्सल मिल जाते हैं, 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी के साथ। ओवरऑल अगर इस LCD पैनल की क्वालिटी की बात करूं तो ये काफी डिसेंट मिलती है, आपको ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं फील होगा, लेकिन क्योंकि भाई ये LCD डिस्प्ले है तो हाँ कहीं ना कहीं ये आपको मैटर कर सकता है। 625 निट्स की ब्राइटनेस ऐसी है कि भाई बाहर अगर आप आउटडोर में यूज करते हो एकदम कड़ी धूप में तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है ये, लेकिन यूजुअली देखा जाए तो काफी अच्छा ही है, ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। ऑल्सो जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ये, दूसरे अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन भी खरीदते हो तो वो भी आपको सिमिलर ब्राइटनेस ही प्रोवाइड करता है। ऑल्सो वहां पे भी आपको LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही फोन है जिनमें OLED का ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई 4K का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई HDR का सपोर्ट नहीं मिल
मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके डिस्प्ले में आपको एक बहुत बेहतरीन चीज मिल जाती है, वो है 3D टच। और ये मेरी इस फोन की फेवरेट चीज हो जाती है। यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप एंड होल्ड करो और बेसिकली इसको आप 3D टच करो, थोड़ा सा जोर से आपको टच, जोर से नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा फोर्स टच टाइप का करना पड़ता है। और जैसे आप इसको फोर्स टच करते हो, यहाँ पे ये ऑप्शंस को खोल देता है। अगर मैं बात करूँ आज के फोन की, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये 3D टच में काम नहीं करते हैं। यहाँ पे इनको आपको हार्ड प्रेस करना पड़ता है, यानी कि टैप एंड होल्ड करना पड़ता है। और ये जो ऑप्शंस हैं, ये 3D टच में ज्यादा जल्दी ओपन होते हैं एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स से भी कंपेयर कर लोगे तो भी ये ज्यादा जल्दी ओपन करता है। तो ये इस वाले फोन की बहुत कमाल की बात हो जाती है। 3D टच बहुत ही अमेजिंग फीचर था, पता नहीं क्यों ही इसको रिमूव कर दिया गया है नए वाले आईफोन से। इसके अलावा अगर इस LCD पैनल की बात करूं, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी का देखने को मिलता है। मतलब भाई अगर आप इनको साइड से भी देखते हो, तो भी भाई आपको ऐसा कहीं से भी फील नहीं होता कि आप LCD डिस्प्ले देख रहे हो। किसी दूसरे एंड्रॉइड फोन जो कि आज की डेट में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉट C3 लाइट, उसको जब आप लेफ्ट और राइट से देखोगे तो वो थोड़े से जो उसके व्यूइंग एंगल है वो उतने अच्छे नहीं है। और ये 2017 का फोन होने के बाद भी काफी बेहतरीन व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है। हाँ, यानी कि थोड़ा बहुत बॉदर तो करेगा, लेकिन भाई इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता। तो मेरे हिसाब से 2017 के डिस्प्ले के हिसाब से बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है ये आज भी। हाँ, बाकी एक चीज, अगर आप इसमें कॉन्टेंट वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह वॉचिंग करोगे ना, तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि इसके कलर थोड़े से फेडेड लग सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत पुराना डिस्प्ले है ये। चलो बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। इसमें आपको A11 बायोनिक चिप मिलती है, जो कि 10 नैनोमीटर की चिप है, और ये सेम चिपसेट आपको आईफोन 10 में भी मिलता है। इसमें आपको हेक्सा कोर CPU और एप्पल का 3-कोर GPU मिल जाता है, जो कि मैं बोलूंगा कि अगर आप डे टू डे टास्क के लिए यूज करना चाहते हो, काफी अच्छा है, ऐसा आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन थोड़े बहुत आपको इसमें ग्लिचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा ऐप ओपनिंग में डिले मिल सकता है, या सेटिंग्स वगैरह खोलने में थोड़ा बहुत डिले मिल सकता है। ऑल्सो एक और कमाल की बात बताऊं, अभी iOS 16 का सपोर्ट इस वाले फोन में देखने को मिलता है। 2017 का फोन है और 2022 में आया हुआ जो अपडेट है ये भी इसको सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, iOS 17 का सपोर्ट जो है वो आपको इस वाले फोन में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा डे टू डे एवरेज टास्क करना चाहते हो वो काफी अच्छे तरीके से कर लेता है ये। इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, व्हाट्सएप वगैरह काफी फ्लुएंटली काम करते हैं इसमें। ओवरऑल देखो, अगर आपका कोई हैवी यूसेज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो, टेक्सटिंग वगैरह व्हाट्सएप वगैरह करना हो, तो फिर आप इस वाले फोन को यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर आप हैवी टास्क करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो, तो ये फोन फिर आपके लिए नहीं है। बिकॉज इसमें देखो कैजुअल गेमिंग आप आराम से कर सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैंने भी जब मेरे पास आईफोन 8 प्लस था, तब मैंने भी इसमें पबजी वगैरह खेला हुआ है, काफी अमेजिंग मतलब उस टाइम पे मिलता था रिस्पॉन्स, तो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन आज की डेट में भाई, क्योंकि फोन काफी फास्टर हो चुके हैं, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा ये उतना एकदम टॉप ऑफ द लाइन नहीं मिलेगा आपको। ऑल्सो ये एक 60Hz का डिस्प्ले है, तो भाई कोई 90fps का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है गेमिंग में, नॉर्मल सेटिंग्स पे ये गेम आराम से काम करता है। चलो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसमें आपको 2961 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन क्योंकि भाई आप इसको रिफर्बिश खरीदने जा रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं कि आपको इसमें ओरिजिनल बैटरी मिलेगी। और भाई चांस अगर अच्छी बैटरी मिलती भी है, तो आपको डिपेंड करता है ये किस कंडीशन की बैटरी मिली है। अगर अच्छी होगी तो अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, और नहीं तो ठीक ठाक सा भी बैटरी बैकअप मिल सकता है। मेरे पास एक आईफोन 10 है, जो कि मैंने रिफर्बिश खरीदा हुआ था, उसमें 100% बैटरी हेल्थ है, लेकिन वो सर्विस शो करता है और भाई बहुत जल्दी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईफोन 8 प्लस इसमें मुझे काफी अच्छी बैटरी हेल्थ मिली, मतलब 100% बैटरी हेल्थ था, और जो बैटरी बैकअप था वो भी काफी डिसेंट था, मतलब कि काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप, पूरा दिन ये आराम से चल जाता है। तो भाई ये डिपेंड करता है आपको किस कंडीशन की बैटरी मिली हुई है, उसके हिसाब से ही ये आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। यहाँ पे आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोनों के दोनों 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आते हैं, एक वाइड लेंस और एक टेलीफोटो लेंस। यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिल रहा है आपको। इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल्सो अगर फोटो क्वालिटी की बात करूं, तो काफी डिसेंट फोटोज ले सकता है ये। HDR की बात करूं, तो भाई इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि भाई ऑब्वियसली इसको 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल पुराना कैमरा है, फिर भी क्योंकि ये आईफोन का कैमरा, तो फिर भी काफी डिसेंट कैमरा क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ऑल्सो इसका जो 2x वाला लेंस है, यानी कि जो टेलीफोटो लेंस है, इसके थ्रू ये पोर्ट्रेट ले सकता है, जो कि काफी अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आज भी काफी अमेजिंग क्वालिटी मिलती है इसमें। ऑल्सो अगर वीडियोस की बात करूं, तो ये 4K में 60fps तक मैक्सिमम शूट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। ऑल्सो 240fps तक का ये स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं, तो 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि शूट कर सकता है 1080p एट 30fps। तो यहाँ पे मैं आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग सकता है कि किस लेवल की क्वालिटी मिलेगी इसमें, तो आप जज कर सकते हो।
इसका बैक कैमरा और ये शूट कर रहा है 4K 30 FPS पे। ये 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन मैं अभी 4K 30 FPS पे कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे लाइट जो है ये कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस लेवल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको ऑडियो किस लेवल का देखने को मिलेगा ये भी आप अभी देख सकते हो। सो गाइज ये है 8+ का फ्रंट कैमरा और आप देख सकते हो भाई किस लेवल का आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑल्सो ये रिकॉर्ड कर रहा है 1080p 30 FPS पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलो मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बता देता हूँ जो कि आपको iPhone 14 Pro Max में भी नहीं मिलते हैं। सबसे पहला है फिंगरप्रिंट सेंसर। भाई फिंगरप्रिंट सेंसर अलॉट फास्टर है। मैं मानता हूँ कि फेस आईडी ज्यादा सिक्योर हो जाती है, उससे कोई भी आपका फोन ओपन नहीं कर पाता है, लेकिन भाई ये एक 2-step प्रोसेस है और ये थोड़ी सी ज्यादा लेंदी है एज कम्पेयर टू ये। इसमें सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और आपका फोन अनलॉक होकर आपको मिल जाता है, और वहीं यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा या फिर होम स्क्रीन वाला बटन दबाना पड़ेगा, फिर स्वाइप अप करके फिर आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा फास्टर निकल के आता है 8+। इसके अलावा दूसरी चीज 3D टच। यहाँ पे 3D टच होने की वजह से ये ज्यादा जल्दी ओपन करता है चीजों को, 3D टच वाले ऑप्शंस को ये ज्यादा जल्दी एक्सेस कर पाता है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro Max। तो भाई ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात हो जाती है कि 5 साल पुराना फोन ज्यादा जल्दी ये सारी चीजें कर पा रहा है एज कम्पेयर टू लेटेस्ट iPhone 14 Pro Max जो कि 1.5 लाख का है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आप iPhone 8+ में कर सकते हो लेकिन iPhone 14 Pro Max में नहीं कर सकते, वो है फोन को लैंडस्केप मोड में यूज करना। भाई आप अपने iPhone को लैंडस्केप मोड में यूज नहीं कर सकते। हाँ, जब सेटिंग्स वगैरह में जाते हो तो सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो लैंडस्केप मोड में, लेकिन अगर आप चाहो कि मेरे आइकन जो है इनको मैं लैंडस्केप मोड में कर सकूं एक्सेस, तो ये नहीं हो पाता है इसमें। वही सेम चीज आप iPhone 8+ में बड़ी ही आसानी से कर सकते हो और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज लगती है, काफी कन्वीनियंट लगता है। आप अपने पूरे ही फोन को इस तरीके से यूज कर सकते हो जो कि मुझे इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स लगता है। तो भाई ये तीन चीजें आप 8+ में कर सकते हो 2017 के फोन में और आज के iPhone में नहीं कर सकते, तो ये एकदम माइंड ब्लोन करने देने वाली चीज है। और ये वाला फीचर गेमर्स के लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि वो गेम वगैरह इसी तरीके से खेलते हो और जैसे ही उनको होम स्क्रीन में जाना हो तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें इजीली। तो भाई चलो बात कर लेते हैं क्या इस वाले फोन को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं 2023 में। तो मेरा आंसर है, अगर एक 12-13-15 हज़ार रुपए में सेकेंडरी फोन देख रहे हो और जो कि 5G ना हो तो भी चलेगा, तब आप इस फोन की तरफ आराम से जा सकते हो। अगर WhatsApp वगैरह यूज करना हो, थोड़ा डिसेंट कैमरा चाहिए, तो डेफिनेटली ये फोन काफी अमेजिंग हो जाता है। और क्योंकि एक बड़ा फोन है तो बैटरी बैकअप भी अच्छा देता है, तो अराउंड पूरे दिन के आसपास अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे सकता है ये। लेकिन अगर इसको प्राइमरी फोन बना के यूज करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको एज अ प्राइमरी फोन आप खरीद सकते हो, क्योंकि भाई एक्चुअली बहुत पुराना फोन है ये। गेमर हो तो बिल्कुल भी इस फोन की तरफ मत जाना बिकॉज आपको ये इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा थोड़े से पैसे और मिला के आप एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हो। बाकी कैमरा काफी डिसेंट मिल जाते हैं, डिस्प्ले काफी एवरेज मिलता है आपको, काफी छोटा बड़ी बड़ी बेजल्स के साथ मिलता है। तो हाँ, सेकेंडरी फोन के लिए आराम से ले सकते हो, प्राइमरी फोन के लिए किसी दूसरे फोन की तरफ जाओ जिसमें आपको OLED डिस्प्ले मिले, ऑल्सो H2H वाला डिस्प्ले मिले। ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।